हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, राजकुमार प्रहस्त। प्रहस्त, क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार है। रावण के दरबार में आकर अशुभ भी शुभ हो जाता है। बोलो, क्या समाचार है? महाराज, राजकुमार प्रहस्त। प्रहस्त, क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। लंका का एक परकोटा ढह गया इंद्रजीत, ढह गया। मैं प्रहस्त का बदला लूंगा पिताश्री। लक्ष्मण को ही नहीं, राम के एक एक भाई को अयोध्या तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक चारों भाइयों को मारकर प्रहस्त का बदला नहीं लूंगा, लंका वापस नहीं लौटूंगा। नहीं युवराज, नहीं युवराज, यह अवसर मुझे प्रदान किया जाए। महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी माता ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए, मैं उस रणभूमि में पहुंचकर प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंड का रण में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी माँ के आंसुओं पर, मैं अपनी माँ का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर माँ के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जाओ, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराज धीराज लंकेश रावण की होगी।